This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाइपोथायरायडिज्म के बारे में। हाइपोथायरायडिज्म बेसिकली एक थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से एक होने वाला बीमारी है, जो कि आप इस वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ साथ कुछ असरदार होम्योपैथी दवाई बताऊंगा दोस्तों, जो कि आप इस प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं दोस्तों। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि हाइपोथायरायडिज्म होता है क्या है और ये किस वजह से होता है। तो मेन जो हमारा बात होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड में होता है दोस्तों। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये हमारा गले के पास रहता है दोस्तों, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हमारा दो हार्मोन सिक्रेशन करता है। एक होता है T3 और दूसरा होता है T4। T3 का मतलब क्या है? ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये जो हार्मोन होता है T3 बोलते हैं। दूसरा हार्मोन होता है वो T4, इसको थायरोक्सिन बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक प्रोटीन भी सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं थायरोकाल्सिटोनिन, जो कि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है दोस्तों। ये जो हार्मोन सिक्रेशन होता है दोस्तों, ये इसका बॉडी में जो मेन फंक्शन रहता है, हमारा हार्ट रेट बैलेंस करने में काम में आता है, और जो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है इसको कंट्रोल करने में ये जो हार्मोन इसका मेन काम रहता है दोस्तों। दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है? हाइपोथायरायडिज्म ये होता है कि हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है, ये T3 और T4 जो दोनों थायराइड हार्मोन होता है, इसका कम प्रोड्यूस करता है दोस्तों। ये जो कम प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रॉब्लम को हम हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं दोस्तों। तो हाइपोथायरायडिज्म जो होता है, इसका एक जो मेन जो मैकेनिज्म रहता है दोस्तों, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो ब्रेन में निचले हिस्से में रहता है, वो एक हार्मोन सिक्रेशन करता है जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हमारा जाके थायराइड ग्लैंड को हमारा इंडिकेट करता है कि आप थायराइड जो हार्मोन होता है T3 T4, इसको सिक्रेशन करो। अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर ये हार्मोन अगर सिक्रेशन नहीं हो पाता है, यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जिसको TSH बोलते हैं, ये अगर सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो आगे जाके ये इंडिकेट नहीं कर पाएगा हमारा सिक्रेशन करने के लिए T3 T4 को, और जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोथायरायडिज्म का समस्या देखा जाएगा दोस्तों। तो अगर कॉजेस के बारे में हम नजर डालेंगे तो कुछ सर्टेन कॉजेस है जिसकी वजह से हमारा हाइपोथायरायडिज्म केस देखा जाता है, जो कि होता है हमारा कुछ मेडिसिन ऐसे इंटेक करते हैं जिसकी साइड इफेक्ट से ये हाइपोथायरायडिज्म देखा जाता है, और कभी कभी सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाता है तो इसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन की कमी देखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ डिजॉर्डर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में हो जाता है, इसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन का कमी देखा जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड जो इसका डैमेज हो जाता है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर सर्जिकल रिमूव किया जाता है थायराइड ग्लैंड को, इसकी वजह से भी हाइपोथायरायडिज्म का समस्या देखा जाता है दोस्तों। और ये जो हाइपोथायरायडिज्म का समस्या होता है दोस्तों, खास करके फीमेल में ज़्यादा देखा जाता है मेल की तुलना में, और ये कॉमनली पाया जाता है हमारा हिल स्टेशन में, यानी जो पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ पर ये हाइपोथायरायडिज्म की समस्या देखा जाता है। तो अगर दोस्तों हम सिम्टम के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो जो मेन सिम्टम आता है वो है वेट गेन। जो हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट रहता है उनका जो वेट होता है एक्सेसिव गेन हो जाता है, और ये जो पेशेंट रहता है उनको ठंडी ज़्यादा अधिक परिमाण में लगता है दोस्तों, यानी कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है एक ही तरफ से, और मसल क्रैम्प रहता है और ज़्यादा वीकनेस रहता है दोस्तों। और इसके साथ साथ मेमोरी लॉस होता है, स्किन का कलर जो होता है वो पेल कलर हो जाता है, यानी येलोइश देखा जाता है, और जो स्किन ड्राई और हेयर लॉस भी होता है। फीमेल की अगर बात करेंगे, फीमेल में इनफर्टिलिटी का समस्या देखा जाता है, इसके साथ साथ कंटिन्यूसली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर माने मतलब देखा जाता है। तो इसके साथ साथ अगर देखेंगे दोस्तों, डिप्रेशन हो गया या फिर मेमोरी लॉस हो गया, और इरिटेबिलिटी, ये भी समस्या कॉमनली देखा जाता है दोस्तों। और जो थायराइड का जो हाइपोथायरायडिज्म का जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो है जो हार्ट बीट रहता है वो बहुत धीमी धीमी हार्ट बीट देखा जाता है जो हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट के अंदर, और उनको ज़्यादा नींद लगता है और स्लीपनेसलेस देखा जाता है दोस्तों कभी कभी। तो ये कुछ था दोस्तों सिम्टम जो कि आप हाइपोथायरायडिज्म के केस में देखेंगे दोस्तों।
तो अभी आपको बताऊंगा कि आपको अगर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का समस्या है तो आप क्या क्या डाइट में ले सकते हैं और किस किस डाइट को आप अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म का समस्या है तो आप अगर ऑयल ज़्यादा ऑयल रिच फूड अगर खाएंगे तो ये समस्या बहुत प्रॉब्लम देखा जाएगा दोस्तों। ज़्यादा आपको फैट जो मील रहता है इसको अवॉइड करना है और जो मीट अगर खाते हैं उसका जो चर्बी होता है इसको आप अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ आप कॉफ़ी नहीं ले सकते, अल्कोहल भी नहीं ले सकते और स्मोकिंग तो अवॉइड ही करना चाहिए दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों आप सोया प्रोडक्ट या फिर शुगरी फूड या फिर आप जो पत्ता गोभी हो गया इसको आप नहीं खाना चाहिए हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में। तो दोस्तों अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को खा सकते हैं और इसके साथ हाई फाइबर फूड खाना चाहिए और कभी कभी प्रोबायोटिक रिच फूड खाना चाहिए और इसके साथ साथ ज़्यादा वेजिटेबल अगर खाएंगे तो आपका ये जो हाइपोथायरॉइडिज्म का जो समस्या है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। अगर कुछ मेंटेनेंस करना है तो दोस्तों तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है दोस्तों, वॉकिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा खाना है। इसके साथ साथ आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं और जहाँ जिस जिस चीज़ पर आपको विटामिन डी मिलता है उसको आप रेगुलर सेवन कर सकते हो दोस्तों। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अगर देखेंगे तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आपको ऐसा 5 दवा बताऊंगा जो कि आप ये जो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का समस्या है इस केस में ले सकते हैं दोस्तों। तो पहला जो दवा आता है दोस्तों वही थायरोडिनम 30। थायरोडिनम 30 जो होता है इसका आप अगर दिन में 3 बार तीन तीन बूंद करके अगर खाली पेट में सेवन करेंगे तो आपका ये जो थायराइड का समस्या ये आपको कंट्रोल में आ सकता है दोस्तों। इसको आप रेगुलर सेवन करना चाहिए दोस्तों और इसको डिसकंटिन्यू मत कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है और आप दिखने में अगर ज़्यादा चुबी चुबी फेस अगर देखा जाता है तो इसके साथ साथ आप कालकरिया कार्पा 30 पोटेंसी लेके उसको सेवन कर सकते हैं। इसको भी दिन में 2 बार आपको खाना है, 5-5 बूंद करके अगर खाली पेट में खाएंगे तो आपका थायराइड का जो समस्या है इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों तीसरा जो मेडिसिन होता है वो है बारेट का 30। बारेट का 30 अगर देखेंगे तो आपको जो नेचर रहेगा हिस्टोरिकल नेचर रहेगा और स्कैंटी मेंसेस रहेगा, इसके साथ से इरिटेबिलिटी रहेगा और कोल्डनेस, आपको ज़्यादा ज़्यादा पसीना आएगा, ज़्यादा कोल्ड लगेगा पसीना के साथ साथ, तो ये समस्या है तो आप बारेट का 30 ले सकते हैं। इसका आप दिन में 3 बार सेवन करना है दोस्तों, 5-5 बूंद करके खाली पेट में अगर खाएंगे तो ठीक रहेगा दोस्तों। दोस्तों और एक जो दवा है वो है नट्रम का 30। इसका 30 पोटेंसी लेके दिन में 1 बार खाना है, कंटिन्यू खाना है दोस्तों। और एक दवा है वो है आइडियम 30। आइडियम 30 हम उस केस में दे सकते हैं जिसको भूख कम लगता है और इसके साथ साथ दोस्तों अगर कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू लग रहता है और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन बॉडी में देखा जाता है तो इस केस में हम आयोडीन 30 दे सकते हैं। डोजेस की बात करेंगे तो इसको आप दिन में 3 बार खाना है दोस्तों, खाली पेट में खाना है और 5-5 बूंद कर करके खाना है दोस्तों। तो कुछ था दोस्तों होम्योपैथी दवा जो कि आप ये जो समस्या है ले सकते हैं दोस्तों। होम्योपैथी दवा लेने से पहले आप एक होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए और उनके गाइडेंस में ही आप मेडिसिन दीजिए दोस्तों, इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, और इस वीडियो में आपको हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में बताया, और एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा दोस्तों जिसमें हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलता हूँ दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते।